हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि कैसे हम ट्रेसेस पे रिसीव इंटरेस्ट डिफॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं। हेयर आई एम टेकिंग द लाइव एग्जांपल। मुझे फाइनेंशियल ईयर 12-13 क्वार्टर फर्स्ट में 1490 रुपीज़ का इंटरेस्ट डिफॉल्ट रिसीव हुआ है। ये डिफॉल्ट मुझे रिसीव हुआ है अंडर सेक्शन 201(1)(a) फॉर एडिशनल लेट पेमेंट इंटरेस्ट अगेंस्ट द प्रोसेसिंग ऑफ लेटेस्ट करेक्शन। अमाउंट 1485 एंड राउंड ऑफ में 1490 रुपीज़ का डिफ़ॉल्ट है। मैंने यहाँ पर 2000 रुपीज़ का चलान पे कर दिया है टू ऐड चलान फॉर इंटरेस्ट डिफॉल्ट ऑन ट्रेसिस वेबसाइट। आफ्टर मेकिंग द चलान पेमेंट मुझे यहाँ पर 24-48 वर्किंग आवर्स का वेट करना है सो दैट ये पेड चलान इनकम टैक्स की वेबसाइट से ट्रेसिस पर अपडेट होकर शो करने लगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पीरियड ही हमें ये वीडियो वाला प्रोसेस चलान ऐड करने के लिए फॉलो करना है। इंटरेस्ट डिफॉल्ट हमें अंडर सेक्शन 201(1)(a) इनमें से किसी भी रीजन से रिसीव हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन। सो हमें सभी तरह के इंटरेस्ट डिफॉल्ट के लिए यही प्रोसेस फॉलो करना है टू ऐड चलान। सो मैंने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी नोट डाउन कर ली है बिफोर स्टार्टिंग द वर्क ऑन ट्रेसिस वेबसाइट टू फिल द KYC फॉर्म। ओरिजिनल रिटर्न सबमिशन टोकन नंबर 15 डिजिट का, चलान पे डिटेल्स विद लिंक डिडक्शन इन्फॉर्मेशन लाइक पैन नंबर एंड TDS वैल्यू। मेरे इस स्टेटमेंट में एक ही चलान था तो मैंने वो नोट डाउन कर लिया है। आपको भी अपने स्टेटमेंट से कोई भी एक ऐसा चलान पिक कर लेना है जिसके अगेंस्ट मिनिमम 3 डिडक्शन लिंक हो। अगर ऐसा कोई चलान नहीं है तो चलान विद मिनिमम 2 डिडक्शन लिंक, और अगर ऐसा भी कोई चलान नहीं है तो चलान विद 1 डिडक्शन लिंक। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। हमें यहाँ पर अब ट्रेसिस की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। क्लिक ऑन कंटिन्यू, लॉगिन, एंटर द ट्रेसिस लॉगिन क्रेडेंशियल, यूजर आईडी, पासवर्ड एंड 10 नंबर ऑफ द कंपनी। गाइस, मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है कि आपको चलान ऐड करने के लिए इंटरेस्ट वाला कोई भी डाउट हो तो वो इसमें कम्प्लीटली एड्रेस हो जाए। इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पे देखने के लिए आपको मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, फिनेक्स विजन। आपको इसी तरह की अच्छे वीडियोस देखने को आने वाले टाइम में मिलेगी। देन आफ्टर लॉगिन क्लिक ऑन डिफॉल्ट, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, सेलेक्ट द फाइनेंशियल ईयर इन विच यू हैव रिसीव्ड अ डिमांड, क्वार्टर। मुझे यहाँ फॉर्म 26Q क्वार्टर फर्स्ट में डिफॉल्ट आया है तो मैं क्वार्टर फर्स्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर्म 26Q, टाइप ऑफ करेक्शन ऑनलाइन, सबमिट रिक्वेस्ट, देन क्लिक गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट, View all, click on available। यहाँ पर type KYC के लिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, with DSC, without DSC, तो मैं normal KYC without DSC पे क्लिक कर लेती हूँ क्योंकि चलान ऐड करने के लिए DSC की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लिक ऑन प्रोसेस। यहाँ पर हमने जो एक्सेल में डिटेल नोट डाउन करी थी उसे फिलअप करना है, टोकन नंबर, चलान एंड डिडक्शन इन्फॉर्मेशन। आप भी अगर पहले से नोट डाउन करके रखेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करने में आपको इजी होगा। चलान BSR कोड, चलान डेट, डेट लिखते टाइम हमें मंथ लिखने पे ध्यान देना है। जनवरी है तो JN, अप्रैल है तो APR, चलान नंबर, चलान अमाउंट, देन डिडक्शन डिटेल, पैन नंबर एंड TDS डिडक्टेड वैल्यू।
देन क्लिक ऑन प्रोसेस। अभी हमें यहाँ पर टाइप ऑफ करेक्शन में चूज़ करना है ऐड चालान टू स्टेटमेंट व्यू डिटेल्स, देन क्लिक ऐड चालान। अब हमने जो चालान पे किया था उसे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो मुझे अपना चालान ये दिख गया है 2000 रुपीज़ का, इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगी और क्लिक करूँगी ऐड चालान टू स्टेटमेंट। नाउ मुझे यहाँ पर 2000 रुपीज़ में से रुपीज़ 1490 रुपीज़ एडजस्ट करने हैं टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिफॉल्ट। मैं यहाँ पर राउंड ऑफ में 1500 रुपीज़ की ही पेमेंट कर दूँगी। सो पेमेंट करने के लिए आप ध्यान दीजिए मैं कैसे चेंजेस कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी है, आप जो डिमांड आपको रिसीव हुई वो वैल्यू भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ 1500 लिख रही हूँ, अमाउंट क्लेम्ड एज इंटरेस्ट आउट ऑफ 2000 रुपीज़। देन क्लिक ऑन सेव। अब यहाँ पर ये चलान ऐड हो गया है और 2000 रुपीज़ में से 1500 एज इंटरेस्ट क्लेम हो गया है एंड 500 रुपीज़ अभी भी अनकंज्यूम्ड है, जिसे आप इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। देन क्लिक सबमिट करेक्शन रिक्वेस्ट, कंफर्म, करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन, देन व्यू स्टेटमेंट, सबमिट फॉर प्रोसेसिंग, हियर आर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड। देन आफ्टर द गैप ऑफ 24 to 48 working hours हमें अगेन ट्रेसिस पे लॉग इन करना है। देन क्लिक करना है डिफॉल्ट पे, ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट। अभी हमने जिस रिक्वेस्ट पे काम किया है वहाँ पर स्टेटस हो गया है आफ्टर सबमिशन सबमिटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये स्टेटस चेंज हो जाएगा प्रोसेस आफ्टर द गैप ऑफ 24 to 48 working hours। देन हमें जो डिफॉल्ट में डिफॉल्ट वैल्यू दिख रही है वो यहाँ से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। हमें यहाँ पर कोई भी डिफॉल्ट नहीं दिखेगा आफ्टर करेक्शन रिक्वेस्ट प्रोसेस। दिस इज़ ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।